हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और बहुत ही खुश होंगे. ठीक है, चलिए आज हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. रीडिंग है कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में करंटली, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चल रहा है, किस माइंडसेट में हैं और आपकी लाइफ में आगे, मतलब एक जो आपका रीसेंट फ्यूचर कैसा होएगा. ठीक है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं. प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, एंजल आर्कएंजल फैमिली होली स्पिरिट यूनिवर्स. और बहुत दिनों के बाद रीडिंग ला रही हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी और इस वजह से जैसे मैं एक आधी कोई बीच में अगर पर्सनल रीडिंग भी आती है तो वो कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बिल्कुल ही डिप्लीट हो जाती हूँ, वीडियो बन ही नहीं पा रही थी, सॉरी उसके लिए. चलिए देखते हैं अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. ओके, देखिए पहला ही कार्ड हमें मिला है डेस्टिनी का, सेकेंड कार्ड मिला है विजडम का, तीन कार्ड लेंगे, क्वेस्ट. ओके, ये तीन ही कार्ड बहुत हैं हमें आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को जानने के लिए. ठीक है जी, नीचे आया है जो, मतलब बॉटम में जो कार्ड आया है ट्रिकरी. ठीक है, चलिए देखिए करंटली आप लोगों की लाइफ में जो भी चल रहा है देखिए ये कार्ड है एक तरह से जजमेंट का. मतलब आप लोग ना, जैसे एक इंसान होता है ना कि उसको लगता है कि भगवान है, मतलब आप इस तरह की सिचुएशन में हो कि ये भगवान है तो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है लाइफ में. जैसे हम कहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता या हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो बड़ों के बराबर है जो हमें दुख में नहीं देख सकता, तो फिर इन दिनों देखो एक ये स्पेसिफिक है, इन दिनों आप सिंक्रोनिसिटीज जैसे बटरफ्लाई या फिर आप लोग रिपीटेड नंबर एंजल नंबर इस टाइप से देख रहे हैं. देखिए ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कुछ लोगों को अपनी आने वाली डेस्टिनी से रिलेटेड कोई विजन भी आया हो या कोई स्पेसिफिक सा सपना आया हो. देखो ये मुझे मैसेज मिल रहा है, कोई ऐसा सपना आया हो जो आगे आपकी एक डेस्टिनी बनेगा. ठीक है, यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है और यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ आपके जैसे जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, उनसे रिलेटेड आपको कुछ रिचुअल्स करने चाहिए या कुछ आपने माना हो. जैसे कई लोग मान लेते हैं ना, सुखना सुख लेते हैं कि हाँ हम ऐसे करेंगे, ये होएगा तो ऐसे करेंगे, तो उस चीज़ को आप स्पेशली याद करें कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि मे बी इसी कारण जो आपकी ये स्थिति है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है. या एक जैसे होता ना कि एक डेस्टिनी से विश्वास उठ जाना कि भी वाकई में भगवान है या भाग्य है या अकॉर्डिंग टू कर्मा है, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतना सोच समझ के काम करती हूँ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ मेरी जो अकल है वो क्यों नहीं काम, मतलब एक तरह से जैसे एक होता ना, एक इंसान को ये लगता है कि ये काम तो मैंने बड़ा एक तरह से अपना दिमाग लगा के किया था, यहाँ पे तो मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था, फिर भी मुझे इस ऐसा क्यों मतलब देखने को मिला. तो इस टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके मन में. अगर मैं आपकी मनस्थिति को देखूं, अगर आप प्यार में हैं तो वहाँ पे भी अब आप बहुत एक कहते हैं ना वो साम दंड भेद, वो आप सब लगा चुके हैं कि कैसे जो है मतलब एक किसी कोई आपको कहता है कि ज़्यादा जो है पीछा नहीं करो, मतलब ज़्यादा उसको चेज मत करो, आप वो भी करके देख चुके हैं, लेकिन आपको एक जो एक जेस्चर वहाँ से मिलना चाहिए या फिर जो आप चाहते हैं वो आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है. ठीक है, मतलब आपको लगता है कि आप एक मतलब अपने इमोशंस को साइड पर रख के आपने एक दिमागी जो विजडम को सामने रख के आपने डिसीजन लिए, लेकिन फिर भी आपको कोई एक उस चीज़ में कामयाबी नहीं मिल रही. देखो विजडम का कार्ड हमें ये दिखाता है, ऊपर आप देखो यहाँ पे पिजन भी है, ठीक है, वाइट कलर का. तो विजडम का कार्ड हमें ये भी दिखाता है मे बी यहाँ पे कुछ लोग जो है अपनी जॉब
या फिर कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया है स्पेशली उसके रिजल्ट का, या इस टाइप से इंतजार कर रहे हैं। और अगर लव लाइफ में है तो अपने पार्टनर का, कि वो कोई कॉल मैसेज करे, वो बात करे, वो एक मतलब जैसे बताए कि उसके मन में क्या है। तो अब उनको लगता है कि जैसे एक डेस्टिनी पे चीज़ें छोड़नी सही नहीं है, मुझे या तो क्लियर कट बात करनी है। ऐसा जो मेरे व्यूअर्स की जो एक तरह से फीलिंग्स करंट उसमें चल रही है, देखो सबके साथ तो नहीं एक जैसा होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन जो मुझे पिकअप हो रहे हैं मैसेज, मैं वो आपको बता रही हूँ। देखो उनको लगता है कि अब जो है अब हमें या आर या अपार करना ही पड़ेगा, मतलब इस इंसान को अगर ये क्लियर नहीं करता तो हमें ही क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ भाई सामने वाले के मन में क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। एक क्लैरिफिकेशन जो है मेरे व्यूअर्स चाहते हैं अब जो है, और सॉरी अब वो और डेस्टिनी पे चीज़ें नहीं छोड़ सकते, और उनको लगता है कि ना तो हमारी अकल काम कर रही है, ना हमारी दुआएं, ना हमारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, ना हमारी प्रेयर काम कर रही है, ठीक है जी। तो उनको लगता है कि कहीं हम खुद से ही, हम उनको ऐसा लगता है कि कोई जैसे एक कोई ट्रिक जो है हम खुद से ही खेल रहे हैं, मतलब वैसी स्थिति जो है यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, ठीक है जी। तो वो क्वेश्चंस चल रहे हैं मेरे व्यूअर्स के मन में कि अब जो है ना तो विजडम ना डेस्टिनी, मतलब एक तरह से डेस्टिनी के ऊपर भी विश्वास उठ गया है और अकल के घोड़े भी दौड़ा लिए हैं, ठीक है। अपने आप को काफी एक तरह से उस सिचुएशन से, जैसे होता है ना कि अपना माइंड को अलग करना, कि माइंड भी अलग कर लिया है कि नहीं अब मुझे नहीं सोचना, अब मुझे नहीं इस बारे में सोचना, लेकिन वो चीज़ जो है मतलब काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो उनको लगता है कि सारी चीज़ें अब हम डेस्टिनी पे नहीं छोड़ सकते, अब हमें खुद ही कोई फैसला लेना है, या तो मूव ऑन या फिर क्लैरिफाई करना है, मतलब उनको एक क्लैरिटी चाहिए आई मीन टू से, ठीक है जी। यहाँ पे विजडम का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि चाहे हमें पता है कि चीज़ें जो है वक्त आने पर होती हैं, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो आपकी करियर में हो, ठीक है जी। जब डेस्टिनी, जब जो चीज़ भाग्य में होती है तभी होती है, लेकिन फिर भी उसका भी एक जो है कहते हैं ना इम्तिहान का भी एक वक्त होता है, कि 3 घंटे का है या 2 घंटे का है या कितने समय का इम्तिहान है, लेकिन आप वो समय जो है आपको मतलब अब बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है जी। आपको वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, अब आप फैसले के इंतज़ार में, अब भगवान से जस्टिस, एंजल से जस्टिस, अपने एंसेस्टर से एक क्लैरिटी की प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कभी हम आपस में मतलब जैसे आपस में चाहते हैं कि हम आपस में उस चीज़ को क्लियर करें, ठीक है। एक कम्युनिकेशन का वेट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन हो, ठीक है। अगर आप मान लो आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको एक क्लैरिटी मिले, आपको एक वहाँ से कोई न्यूज़ या उसका वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप लोग। चलिए अब हम टारो से देखते हैं क्या आता है, करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको इधर रखते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करंटली क्या चीज़ें चल रही हैं और वो क्या चाहते हैं, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर, सब कुछ बताइए हमें, जो भी हमें दिखेगा हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। मेरे व्यूअर्स की करंट लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं और क्या वो जो चाह रहे हैं वो उनको मिलेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स देखिए, बॉटम में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहां हमारे पास आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। थ्री ऑफ कप्स, सारे अपराइट आए, ये देख लो सारे अपराइट आए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देखिए, ये इंसान आपको स्टेबिलिटी तो देना चाहता है, क्यों देना चाहता है, आपका लव वन जो भी है, अगर आप लव लाइफ में है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स है, दे हैव इमोशंस, आपके लिए उसके मन में बहुत ज्यादा जगह है, बहुत ज्यादा इमोशंस है, ठीक है। लेकिन वो दिमाग में वो चीज़ चल रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे स्टेबिलिटी देनी है, कैसे कभी भगवान के सामने, कभी
अपनी सिचुएशन को देख के सोचा जा रहा है, ठीक है। तो ये इंसान जो है परेशान है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, एक कभी चीज़ों को कंटेम्पलेट कर रहा है, कभी मेडिटेट कर रहा है कि कैसे जो है कैसे ये स्टेबिलिटी को दिया जाए जो मैं चाहता हूँ, कि इस इंसान के साथ मेरा एक स्टेबल कनेक्शन हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये इंसान जिससे भी आप डील कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, क्या ना माई वे इज अ हाई वे, वो हिसाब वो वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, चाहे वो ही है चाहे शी है, ठीक है। तो लेकिन आप जो हो अब इस लुका छुपी के खेल से, लुका छुपी क्या मतलब, कई लोग तो ऐसे हैं जैसे वो अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, मतलब उनको इतनी ज्यादा जो है इस इंसान ये सोच के अपने आप में उनकी जो एक विजडम है ना ये कह रही है कि अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ इस रिश्ते में, और फिर भी मैं उस इंसान के लिए इतना सोच रहा हूं। और कुछ लोग हैं सालों से उस रिश्ते में हैं लेकिन वहां पे कोई रिजल्ट नहीं है, वो वेटिंग जोन ही नहीं खत्म हो रहा, मतलब डेस्टिनी पे भी इंसान कब तक छोड़े, कब तक प्रेयर करे, ठीक है जी। तो यहां ऐसा मुझे नजर आ रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान अभी भी बड़े मानसिक एक तरह से दिमागी द्वंद्व में है, लड़ाई उसके दिमाग में बहुत सी सोचें चल रही हैं, या हो सकता है आपकी कोई आपस में मनमुटाव वाली कोई बात हुई, ऐसी बात नहीं हुई स्पेशली तो आर्गुमेंट या कुछ भी, मतलब जैसे व्हाट्सएप पे ही चैट पे ही या कुछ ऐसा हुआ है कि ये इंसान जो है उस चीज़ को सोच रहा है, उस चीज़ को सोच सोच के एंजाइटी टेंशन ले रहा है। यहाँ पे ये देखो फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे एक तरह से बिल्कुल एक पक्का कंफर्मेशन कि आपकी किसी से लड़ाई हुई है, ज़रूरी नहीं आपके लव वन से ही हुई हो, फैमिली में किसी से हुई है या फैमिली में लड़ाई चल रही है, या आप उससे बहुत परेशान मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं कुछ लोग कि उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई वाला माहौल बना हुआ है। तो एक डेस्टिनी पे आपको लग रहा है कि डेस्टिनी भगवान के आगे हाथ जोड़ जोड़ के प्रेयर कर करके आज तक तो कोई कुछ हुआ नहीं, मतलब इस टाइप की नेगेटिविटी सी ने आपको एक तरह से राउंड अप कर रखा है कि आप जो है आपको लगता है कि मतलब ये एक जैसे होता नहीं कि इंसान निराश हो कि उसका थोड़ा बहुत जो है एक भाग्य है भगवान डेस्टिनी और इन चीज़ों से थोड़ा विश्वास सा उठ जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको देख रही हूँ। तो यहाँ पे देखो थ्री ऑफ कप्स है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि मतलब आप एक गुड फॉर्च्यून का सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप रिश्ते में हैं चाहे आप अपने करियर में एक सेलिब्रेशन का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जैसे अब जो है चीज़ें मतलब एक आपका क्वेश्चन है कि आप उस चीज़ को डेस्टिनी पे भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, मतलब आप प्रेयर भी कर रहे हैं, मतलब एक तरह की कन्फ्यूज़न सी बनी हुई है कि कब जो है वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में यहाँ आपको मिलेगा। फोर ऑफ सॉर्ड, कभी आपको दुनियावी चीज़ें दुनियादारी का सोच हो रही है कि अगर अब भी मेरे साथ जो है मतलब मैं अब क्या जवाब दूँ अपनी फैमिली को कि मेरा जो पर्सन है या पार्टनर है जो भी है वो मतलब उसके लिए मैं क्या, जैसे कई लोग स्पेशली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जैसे उनको मतलब एक तरह से फैमिली को जवाब देना है, फैमिली और कहीं देख रही है रिश्ते वगैरह, तो उनको अपने पार्टनर से ही क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो वो कैसे उनको आगे बताएं, ठीक है, कि क्या वो चाहता है या क्या वो इस रिश्ते में जो है आगे बनेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके इस कनेक्शन में जो भी आपका जो भी आप परेशानी में है, जो भी जिस सोच में है, जिस चीज़ को भी रख के ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें आपको आगे फॉर फ्यूचर जो है क्या होने वाला है। स्ट्रेंथ, वाओ, देखिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका जो ये आपने जो इतना पेशेंस रखा है इस चीज़ को लेके, कोई भी जो भी आपके डिज़ायर है चाहे वो किसी पर्सनल के लिए चाहे वो कोई सिचुएशन के लिए है, तो उस पर जो है कुदरत भी मतलब भगवान भी उस पर वर्क कर रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा आपको, क्योंकि देखो इंसान क्या है जैसे एलोपैथिक दवाई है ना फटाफट असर करती है, ऐसे इंसान भी चाहता है कि जल्दी से ही कुछ जो है चीज़ें सॉल्व हो जाए, ठीक है, मतलब उसको क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन कई चीज़ें होती हैं वो जल्दी से सुलझने वाली नहीं होती, ठीक है, वो वक्त आने पर ही ठीक होती हैं। स्ट्रेंथ, बहुत टाइम से जो है आपने एक अपना साहस बंधा रखा है, या फिर ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है अगर आप लव लाइफ में हैं तो आपका पार्टनर जो है उसके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, बोल्ड स्टेप लेना चाहता है,
वो अब इस रिश्ते में कुछ करना चाहता है, ठीक है जी, मतलब चाहता है कि स्टेबिलिटी आपको दी जाए, या फिर स्टेबिलिटी नहीं तो आपके सामने क्लियर चीजें रखी जाए सामने कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की मुझे जो है ये कार्ड बता रहा है। और बताइए भगवान जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपके लिए पैशनेट है, इसको लगता है कि आपके साथ होता है तो इसको एक इसके अंदर एक इंथुजियाज्म और एक जैसे होता है ना चीजों के बारे में जानना, बचपना जो है जो एक्सप्लोर करना, कैसे चीजों के बारे में जानना, कोई डिस्कवरी करना, एक फ्री उससे रहना, फ्री स्पिरिट की तरह आइडियाज आने लग पड़ते हैं। तो ये इसको चाहे इसको पता है ये डिवाइन कनेक्शन है चाहे ये नहीं है, लेकिन ये पास्ट लाइफ कनेक्शन तो जरूर है और सोलमेट कनेक्शन, जैसी मुझे ये सोलमेट वालों की और पास्ट लाइफ, मुझे सिक्स ऑफ कप्स दिख रहा है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड जो है एक ये बहुत ज्यादा सोच रहा है इंसान, आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स चीजों को ठीक करना चाहता है, काफी उम्मीद लगाई हुई है इसने इस रिश्ते से। द सन मतलब एक सक्सेस चाहता है इस लव स्टोरी में, ठीक है, आपका पार्टनर, और आने भी वाली है सक्सेस, तभी यहां सन का कार्ड आया है, ठीक है जी। जो आपने वेट किया है, तो पहले जो जजमेंट का कार्ड आके यही बता रहा है कि उस वेट का जो है आपको सिला मिलेगा, ठीक है, और अगर सिला नहीं मिलेगा तो आप तो ऑलरेडी मूव ऑन कुछ लोग हो ही चुके हैं। जो नहीं हुए हैं मूव ऑन या नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए जो है ये रीडिंग है, ठीक है। उनकी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, उनकी प्रेजेंट सिचुएशन फोर ऑफ स्वॉर्ड की है आपके पार्टनर की। कभी वो दुनिया की सोचता है, कभी वो इस रिश्ते की सोचता है, इस रिश्ते की गहराई को सोचता है, कभी अपना कंफर्ट जोन देखता है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ कितना अच्छा फील होता है, क्यों नहीं मैं इस रिश्ते को स्टेबिलिटी दे पा रहा। देखिए जैसे इस इंसान ने एक वॉन्ड को पकड़ रखा है तीनों वॉन्ड्स में, लेकिन फिर भी कोई इंतजार है, फिर भी किसी चीज को लेके ये इंसान, देखिए अगेन किंग ऑफ कप्स दो बार आ गया है, तो इमोशंस तो बहुत हैं आपके पार्टनर के आपको लेके। बस वही है कि या तो कईयों के केस में थर्ड पार्टी है बहुत प्रोमिनेंट, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड भी दोबारा आ गया, ठीक है, फोर ऑफ स्वॉर्ड के, दुनिया क्या कहेगी अगर उसने आपके साथ रिश्ता बनाया, इस तरह का डर उस इंसान के अंदर मुझे नजर आ रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स डर नजर आ रहा है, द फूल, फिर भी ये इंसान जो है एक रिश्ते को नई तरह से जो है आपको क्लियर करना चाहता है, आपको चाहता है, मतलब ये आपको खो ना दे। फोर ऑफ कप्स आप में ही खोया हुआ है ये इंसान, अगर प्रेजेंट करंटली देखा जाए तो। नाइट ऑफ कप्स कुछ एक्शन, कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहता है कि जैसे कहते हैं ना सांप भी मर जाए लाठी बिना टूटे, मतलब आपको ये बोल भी दे अपने मन की भावना, और जो है मतलब फैमिली में भी या कुछ भी कहीं किसी भी तरह से नाराजगी ना हो, इस चीज का प्लान को स्ट्रैटेजी बनाता हुआ और सोचता हुआ ये इंसान जो है लग रहा है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बीमार हैं या फिर उनके पार्टनर बीमार हैं, क्योंकि ये इलनेस का भी कार्ड है नाइन ऑफ स्वॉर्ड। जजमेंट देखिए ना, अभी मैंने जजमेंट की बात की ना, तो आपका जो ये जो वेट है, या फिर देखो वेट खाली आप इस इंसान का नहीं कर रहे, वेट आप कर रहे हो कि जो वो सोच आपने इसको दी है या वो टाइम दिया है, वो जो एक आप अपनी मतलब कहते हैं ना इंसान ने आपने अपना जो एक नींदे खोई कुछ भी कह लो, मतलब वो सारी चीजों का आप जो है चाहते हैं कि उस चीज को प्रकृति जो भगवान है डिवाइन है वो कंपनसेट करे, एक जजमेंट दे अपनी, एक क्लियरेंस मिले आपको, एक सन एक होप मिले। आज तक जो आप एक खुद एक अपनी दुनिया एक लाला लैंड बना बसा के जो बैठे हैं उससे आपको या तो किनारा मिले यार या पार, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी में आप मेरे व्यूअर्स मुझे नजर आ रहे हैं। और ये आपका पार्टनर जो है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गया है। देखो चाहे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला हाल है, मतलब ये इंसान जो है स्लो है लेकिन चाहता है, रोमांटिक है, ठीक है, चाहता है कि ये आपको जो है किसी तरह की कोई क्लैरिटी दे, मतलब चाहे बातों के थ्रू ही अपने बातें ही अपनी आपको बताए कि वो क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है आपको। एट ऑफ कप्स और मेरे व्यूअर्स जो हैं वो तो इस तंग आ चुके हैं, उनका तो लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला इस रिश्ते में और उनको इस रिश्ते से मूव ऑन ही हो जाना चाहिए, मतलब इस तरह की बहुत ही ज्यादा जो है एक तरह से
एक अकेलापन फील कर रहे हैं, एक विड्रॉल फील कर रहे हैं, ठीक है, और पेज ऑफ कप्स, और अपने पार्टनर पे तो उनको को अब जैसे कई कहते ना एक इंसान पे विश्वास ही नहीं रहता कि ये तो कभी कुछ नहीं करेगा इस रिश्ते में, पेज ऑफ पेज वाली एनर्जी में ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये है आप लोगों की करंट एनर्जी में क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, जो हमने देखने की कोशिश की आपकी लव लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ का ही ज़्यादा दिखा है मुझे। अब मैं थोड़ा सा करियर की तरफ भी ध्यान दे दूँ कि क्या जो है, मैं अलग अलग रीडिंग इतनी सारी तो नहीं बना सकती, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जो करियर को लेके या किसी तरह की जो भी उनके क्वेश्चन है उसको लेके ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कुछ बताइए हमें। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, पैसों पे काम कर रहे हैं, या आपने कोई बिजनेस या कोई नई नौकरी ज्वाइन की है जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना काम जो है अपना पूरा उससे कर रहे हैं, पूरे जैसे ऑनेस्टी से और पूरे जो पैशन से एक आप काम कर रहे हैं, ठीक है। एट ऑफ सॉर्ड, क्योंकि देखो आपको लगता है कि कुछ भी कमी ना रह जाए, किसी तरह की एक कोई वीकनेस ना आपकी पकड़ी जाए, कोई नेगेटिव जो है इम्पैक्ट ना पड़े किसी चीज का, इस तरह की आप सोच में लग के अपने काम पे पूरी तरह ध्यान, जो भी आपकी नौकरी है या जॉब है, और कुछ जो है कुछ लोग उनको लग रहा है कि उनके वर्किंग प्लेस पे जो है सिचुएशन, मतलब लोग बहुत ज़्यादा उनकी कन्नी काट रहे, मतलब उनको जो है एक तरह से गिराने के ऊपर, मतलब होता है ना जैसे पॉलिटिक्स या इस चीज़ से भी दुखी मेरे व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि उनको लगता है कि जितनी हम मेहनत कर रहे हैं वो जो हमें पाना है उससे कम है, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है जी। फोर ऑफ कप्स, देखिए इन दिनों आप जो है काफी इनबैलेंस हो रखे हैं, मतलब आपको लगता है कि चीजें जो है, मतलब एक स्टक सिचुएशन नहीं होती कि इंसान अपनी ही किसी उधेड़बुन में खोया हुआ है, वो अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसका एंजॉय नहीं ले पा रहा है, उसमें रह के भी वो कहीं खोया हुआ, ऐसी एनर्जी में मुझे मेरे व्यूअर्स नजर आ रहे हैं। तो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपका इंतजार कर रही है और आने वाली है, ठीक है। आपको अपने काम को, अपने एफर्ट्स को कम नहीं करना है, और डिवाइन, देखो दो बारी जजमेंट का कार्ड है, तो डिवाइन जो है जरूर आपके जो भी आपने एफर्ट्स करे हैं अपने काम में, अपने करियर में, या कोई स्पेशली जैसे कोई टेस्ट देना है तो वहां पे आप विनर होंगे, चिंता ना करें, ठीक है, पॉजिटिव ही रिजल्ट वहां पे मिलेगा क्योंकि हमें जजमेंट का कार्ड मिल गया है करियर की रीडिंग में, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग, तो चलिए हम एंजल से पूछ लेते हैं, एंजल्स के कार्ड निकाले थे। एंजल्स प्लीज बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, आप क्या गाइड करना चाहेंगे प्लीज। ओ सॉरी, 24 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, मर्लिन, मैनिफेस्टेशन मैजिशियन। वाओ, देखिए मैजिशियन का कार्ड, मतलब एंजल आपको ये कह रहे हैं कि आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आप जो भी चाहें अपनी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस टाइम। तो आपका देखिए, आप कुछ भी करें लेकिन पॉजिटिव सोच के करें क्योंकि वही मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए कुछ लव मैसेजेस जो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, शायद कभी कहा नहीं है या कहना चाहता है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया था कि कुछ इमोशंस जो है दिखाने के लिए कोई एक्शन ले सकता है ये इंसान। ओके, देखिए दो तीन आ गए हमारे पास, ले ही लेते हैं। चलो, यू एंड मी, वी बिलोंग टुगेदर, हम एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। यू मेक मी स्माइल माई बेग, देखिए आपकी खुशी, आपकी हंसी का कारण समझता है आपका पार्टनर, आपको अपनी खुशी का कारण समझता है, हैंड इन माई हैंड, और चाहता है कि हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जो ये जिंदगी का सफर है वो साथ में बिताएं, ठीक है। तो ये थी व्यूअर्स आप लोगों के लिए, पता नहीं कैसी रीडिंग बनी है, लेकिन मैं एक तो मुझे सांस उखड़ रहा है और खांसी, और बीच बीच में ये लेग में पेन, फीवर, कुछ मौसम भी ऐसा है इस वजह से, फिर मैं टायर्ड भी हो जाती हूँ ऑफिस को भी, ऑफिस जाके भी, तो सॉरी आप लोगों ने, मैं आपके साथ अच्छा नहीं करी, मुझे भी फील हो रहा है, चाहे आप कमेंट करें चाहे ना करें,
लेकिन मुझे भी फील हो रहा है कि 4 दिन के बाद मैं रीडिंग लेके आ रही हूँ, तो ये फेयर नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब देखो, अगर उस तरह देखा जाए तो करंट एनर्जी आपकी लाइफ को लेके, या आपके आपके पार्टनर लव लाइफ को लेके भी, रोज़ रोज़ की करंट एनर्जी, क्योंकि देखो उस तरह भी देखा जाए तो भगवान भगवान क्या मतलब, एक अगर हम बहुत बहुत ज़्यादा टारो रीडिंग भी देखते हैं तो वो भी हम एक तरह की चेजिंग, क्योंकि हम फिर चीज़ों को छोड़ लेट गो नहीं कर पाते। देखो अब आप कहेंगे मैम खुद को छुपाने के लिए, खुद की गलती को वो करने के लिए कह रही है, मैं ऐसा नहीं है मेरा खाली, वैसे भी मैं देखो मैं मुझे तो फ़ायदा है, मैं तो रोज़ रोज़ रीडिंग लाऊंगी, रोज़ रोज़ आप लोग देखेंगे, मेरे तो डॉलर बनेंगे, तो मुझे तो फ़ायदा है। लेकिन मैं फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा जो है जितना कर सकती हूँ मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मतलब मैं चाहती हूँ कि कहीं एक सिर्फ एक वो कहते हैं ना वो फॉर्मेलिटी करने के लिए कि हाँ आप लोगों के लिए रीडिंग बना दी है, चाहे वो आपसे रेजोनेट हो या ना हो, चाहे मैं उस एनर्जी में हूँ या नहीं, मैं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही, तो उस वजह से मैं ये डिले हो जाते हैं। कई बार मुझे कार्ड पड़े हैं लेकिन मेरा देखने का मन नहीं है कि मैं कार्ड से आज कुछ पूछूं या कुछ बनाऊं, इस टाइप का कुछ मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अगर कुछ गलत लगे तो उसके लिए माफ़ी, और आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोगों की लाइकिंग का, आप लोगों के कमेंट का, आप लोगों के लाइक, वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो ना भी अच्छी लगती तो भी लाइक कर दिया करें, ठीक है। और पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि कई बार कुछ मैसेजेस होते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि, वैसे स्टार्टिंग में ये देखने से पता तो लग जाता है ये रीडिंग मेरी है, मत मुझे तो पता लग जाता है। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।